In a shocking twist in the Gujarat delivery blast case that led to the death of a 32-year-old man and his 12-year-old daughter, the police have now revealed that the parcel was sent to their house by a man who was allegedly having an affair with his wife. According to the police, the accused sent the parcel to the victim's house in an auto rickshaw, making it appear like a tape recorder. When the victim tried to plug it in, the box exploded. The police have arrested the accused and have brought an end to this deranged lover's story now. जिसके इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि जो इसमें जिसकी डेथ हुई है वो जितूभाई वंजारा के घर एक रिक्शा वाला पार्सल डिलीवर करके गया है. उस पार्सल में ये इम्प्रोवाइज डिवाइस थी जिसके अंदर जिलेटिन स्टिक और डिटेनेटर का यूज़ किया गया था. उसको प्लग करते ही उसका ब्लास्ट हो गया. ब्लास्ट में जीतू भाई की और उसकी उनकी लड़की है जो भूमिका बेन, उनकी डेथ हो गई. ये हमने इन्वेस्टिगेशन BDDS टीम और FSL को साथ में रख के शुरू किया. बाद में हमने जो रिक्शा वाला था वो हमें CCTV में दिख गया और एक एक्टिवा वाला उसको वो पार्सल डिलीवर करता है. एक्टिवा वाले के नंबर क्या ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके हमने एक्टिवा वाला जो थे जयंती भाई बालूसी वंजारा उसको हमने डिटेन किया और उसका इंट्रोगेशन करते हुए हमें पता चला कि उसकी वाइफ के साथ जीतू भाई हीरा भाई वंजारा के इलिसिट रिलेशन थे और उसकी वजह से उसने ये पूरा वाक्य को अंजाम दिया.